अनफॉर्चुनेटली उस वक्त वक्त निकल नहीं पाया था, लेकिन मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई थी तो मुझे पता था कि महिमा विल बी अ वेरी गुड चॉइस फॉर दिस. काफ़ी अरसे से उन्हें देखा नहीं गया है और जो जिस कैरेक्टर पे इनका कैरेक्टर बनाया गया है उससे मिलती जुलती है. मैं ये नहीं कहूँगा कि द वे शी इज़, बट द वे शी लुक्स एंड वे शी कम्स अक्रॉस ऑन स्क्रीन, देयर इज़ अ सेंसुअलिटी अबाउट महिमा विच इज़ देयर इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स. एंड आई थिंक वो वजह रही होगी अग्निता की, इसलिए उन्होंने महिमा को कास्ट किया. और फिल्म देखने के बाद आई वॉज क्वाइट हैप्पी दैट इवन आफ्टर सो लॉन्ग शी इज़ कम बैक विद अ बैंग एंड सच एन इंटरेस्टिंग फिल्म, सो आई एम हैप्पी फॉर हर. सर मैं सिर्फ आप लोगों के कैमरे में नजर आऊंगा क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वो कैरेक्टर जो मुझे ऑफर किया गया था मैं कर नहीं पाया था. और फिल्म देखने के बाद ये बता सकता हूँ कि मुझे क्या कौन सा कैरेक्टर करना था. इसमें जो पुलिस ऑफिसर का रोल है वो बहुत अच्छा है, इन्होंने मुझे संजीव के रोल के लिए बुलाया था, लेकिन जो पुलिस ऑफिसर का रोल है वो मुझे बहुत अच्छा लगा और आई एम श्योर कि जब आपके दर्शक भी फिल्म देखेंगे उनको वो रोल बहुत अच्छा लगेगा. हो गया, ऑल द वेरी बेस्ट टू डार्क चॉकलेट एंड द एंटायर टीम. क्या बोलूं, ए हाँ 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 वेल ऑल द बेस्ट डार्क चॉकलेट के पूरी टीम के लिए, अग्निता महिमा रिया. और एक चीज़ और आपको बता दूं कि अग्निदेव चैटर्जी की जो अगली फिल्म है वो हम लोग परसों शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है जिहाद, उसमें मैं नजर आऊंगा तो उसके लिए आप लोग इंतजार कीजिए. तब तक डार्क चॉकलेट देके खुश रहिए, चलते हैं. एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा तेरे घर के इलेक्ट्रिसिटी बल्ब चेंज कर दूं मैं आके? पक्का आज मैं चेंज कर देता हूं. हां बोल. मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज के दौर में टीवी और सिनेमा जो बॉलीवुड है जी, उसका दायरा कितना कम हो गया, क्योंकि आप तो ज्यादा टीवी का कलाकार हूँ, फिल्में जब करता हूँ तब करता हूँ, लेकिन दायरा पता नहीं, लेकिन उनकी लाइंस हैव बीन ब्लर्ड. आज टेलीविजन और फिल्म की जो पहले कमर्शियल डिफरेंस थी वो बहुत कम हो गई है. आज टेलीविजन पे जो एक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर रेकिंग इन मिलियंस. फिल्मों में भी थोड़ा सा रहता है कि भाई पिक्चर चलेगी नहीं चलेगी क्या होगा, लेकिन द फ्लिप साइड इज़ कि जब आप किसी को एक सिल्वर स्क्रीन पे देखते हैं तो वहाँ पे देखने का जो मज़ा आता है एक हीरो को या हीरोइन को, वो छोटे पर्दे पे कभी हो ही नहीं सकता. सिल्वर स्क्रीन विल ऑलवेज रिमेन द सिल्वर स्क्रीन. और इसलिए हम लोग हमेशा सोचते हैं कि कोई अच्छी फिल्म करे, इतना अच्छा टेलीविजन किया, लेकिन फिर भी एक लालसा रहती है. मैं इसको हमेशा वो कहता हूँ कि टेलीविजन इज़ लाइक रणजी ट्रॉफी, फिल्म इज़ लाइक प्लेइंग फॉर इंडिया. अच्छा, कुछ डायरेक्शन या लालसा की बात की, हाँ ऑलरेडी डायरेक्टेड अ फिल्म जी, बट कुछ है कुछ प्लान? अब पता नहीं इतनी अभी मैं बता सकता हूँ कि नहीं, लेकिन हाँ बहुत ही जल्द मेरी डायरेक्टोरियल वेंचर शुरू होने वाली है. ये सभी को बताए कि प्रोड्यूसर कौन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो ये अनाउंसमेंट करे, तो आई थिंक जनवरी फेब में वो फिल्म शुरू होगी. कास्टिंग भी ऑलमोस्ट हो चुकी है जिसके बारे में मैं अभी कुछ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत ही जल्द आई थिंक बाय नेक्स्ट वीक और द वीक आफ्टर दैट देयर विल बी एन अनाउंसमेंट ऑफ द फिल्म, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट टू डू रियली. एक्टिंग विल हैव टू टेक अ बैक सीट.